जो सागर की तरह अगाध प्रेम लिए बैठा हो, मस्तिष्क शांत और शीतल हो और झुकना जानता। किसी ने लिखा, झुकते वे हैं जिनके अंदर कुछ जान होती है, झुकते वे हैं जिनके अंदर कुछ जान होती है, अकलकल खड़ा रहना तो खास मुर्दों की पहचान होती है। कि अकड़ने वाले तो मुर्दे होते हैं, जिंदा झुकेगा फिर उठ जाएगा, लेकिन मुर्दे कभी झुकते नहीं, गिर ही जाएंगे या खड़े रहेंगे टाइट एकदम। इस संसार में मान और अपमान शुद्र मन स्थिति के लोगों के लिए, जो प्रशांत हो गया, मन को शांति से भर लिया जिसने, क्रोध पाप कर मूल, क्रोध ही पाप का मूल है, तो पाप क्या है? लोग सोचते हैं कि पाप कोई ऐसी वस्तु है जो नरक में ले जाती है, ये भी होता है। जो चीजें हमें कष्ट दे और गलत कार्य की ओर प्रेरित करें, परिणाम गलत दिलाए, वो सब पाप है। हम जो आपस में लड़ रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप दुख मिलने वाला है, तो पाप ही तो है। हम आपस में मिलेंगे, प्रेम बढ़ेगा और सुख मिलेगा, ये पुण्य है। जिन कार्यों से हमें संतुष्टि मिलती है और कार्य दूसरों को भी लाभ देते हैं, हमें प्रसन्नता प्रदान करते हैं, उन्हीं सबको पुण्य कहा जाता है। केवल भगवान को भोग लगाना पुण्य नहीं है, अरे भगवान तो कण कण में व्याप्त है, ये सब भगवान ही बैठे हुए हैं। मंदिर के मूर्ति को भोग लगा लो और सामने रहे भगवान से लड़ते रहो। स्वामी विवेकानंद जी के पास एक युवक गया, उसने कहा, स्वामी जी मैं संन्यास लेना चाहता हूं। बोले, बड़ी अच्छी बात है, क्यों लेना चाहते हो संन्यास? बोले, कण कण में व्याप्त परमात्मा को देखकर मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। बोले, अच्छा शादी हुई? तो बोले, हाँ शादी तो होगी, तो फिर कैसे संन्यास लोगे? तो बोले, बच्चे हैं? बोले, हाँ दो बच्चा। तो कण कण में व्याप्त परमात्मा की पूजा करना चाहते हो? अरे मूर्ख, तेरे पत्नी के अंदर भगवान नहीं दिखाई दिए तुमको? तुम्हारे बच्चों के अंदर भगवान नहीं दिखाई दिए? उनकी सेवा तो तुमसे बनती नहीं, तुम बाहर भगवान को कहां ढूंढोगे? अरे जो सामने भगवान है उसकी सेवा तो कर नहीं पाए। पाप और पुण्य की परिभाषाएं गलत कर दी गई है। लोग सोचते हैं कि ये पाप है, बाद में ऊपर मिलेगा। नहीं, जिन कार्यों से आप संतुष्ट होते हैं और अपने मित्र बंधु पड़ोसी रिश्तेदार घर वाले सबको संतुष्टि देते हैं, परिणाम स्वरूप फल अच्छा मिलता है, ये सब पुण्य है। और जिससे दूसरों को भी कष्ट मिले, आपको भी कष्ट मिले और फल गलत मिले, तो समझ लीजिए ये सब पाप है। पाप और पुण्य तो हम जी रहे हैं, जिंदगी का कर्म ही पाप और पुण्य की परिभाषा है। मस्तिष्क शांत और शीतल होना चाहिए। हमने सुना, अब एक घटना याद आ गई कि संत तुकाराम, संत तुकाराम बड़े संत थे, गृहस्थी थे। एक बार खेत में गन्ना लाने गए, पत्नी को पता था कि गन्ना लेके आएंगे। संत थे, बच्चे रास्ते में मिल गए कि बाबा एक गन्ना मुझे दीजिए, बांटते रहे। आखिरी में एक गन्ना बच गया उनके पास। पत्नी को खबर मिल गई कहीं से कि सब बांटते हुए आ रहे हैं। बोले, आ जाएं आज, साड़ी बांध के कमर कस के तैयार हो गए, आने दो, बताती हूं। बहुत बड़े दानी बने हैं। अब जैसे ही आए, गन्ना लाए, बोले, हाँ देवी ले आया हूं गन्ना, लीजिए। अब एक गन्ना दिया, उठाया गन्ना और पति के सिर पे मारा, गन्ना दो टुकड़ा हो गया। और पति हंसने लगे, वाह वाह कमाल हो गया, एक ही था और हम दोनों को खाना था, एक आप लीजिए एक मैं खाता हूं। ये सहनशीलता है उनकी। एक संत के बारे में हमने सुना, उदाहरण दोनों के लिए दिया जा रहा है, गृहस्थियों के लिए भी और संतों के लिए भी, कि खबर मिली कि एक बहुत बड़े संत नगर में आए हैं, टेलीविजन में उनका प्रवचन आ रहा है और बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े पोस्टर लगे हैं, बड़ा नामी संत है। उनके गांव का एक आदमी फोटो देखा, उसने कहा, अरे ये कब संत बन गया, ये तो मेरे गांव का आदमी है। बोले, नहीं नहीं आपको अभी पता नहीं है, बड़े प्रसिद्ध संत है, टीवी पर देखिए, इनको रोज आते हैं, लाखों इनके शिष्य हैं। बोले, टीवी पे आने से ही संत बन जाएगा?
अभी पिछले ही वर्ष इसने अब गुस्से में आके अपनी पत्नी को धक्का मारा था, कुएं में गिर के मर गई थी। ये वही आदमी है, मैं चेहरा पहचान रहा हूं। बोले, नहीं आपको भ्रम है, ये अच्छे संत हैं। तो गए दूर से, बड़ी लंबी लाइन, मुश्किल से दर्शन मिला। नजदीक जाके देखा, ये तो वही आदमी है। तो जांचने के लिए बोला, बाबा आपका नाम क्या है? अब बाबा इतना सुनना था कि क्रोधित हो गए। मूर्ख, नाम पूछते हो, रेडियो नहीं सुनते, टेलीविजन नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, रोज छपता है, रोज टीवी में आता, मेरा नाम पूछते हो इतने फेमस आदमी का? तो उसने कहा, बाबा गरीब आदमी हो, रेडियो घर में नहीं है, टेलीविजन नहीं है, अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा नहीं, अखबार भी नहीं जानता, एक बार अपना नाम बता दीजिए। शांतिनाथ मेरा नाम है, दोबारा मत पूछना। वो तो आपके चेहरे से झलक रही है शांति। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर बोला, बाबा आपने क्या नाम बताया था? बोले, फिर पूछते हो? डंडा उठाया, बोले, शांतिनाथ नाम है मेरा। वो दौड़ा भागा वहां से, बोला, सियार वही है, पूछ रंगा लिया है। हैं भोजपुरी वाले कहते हैं कि सियारा वही है, पूछ रंगा लेबा, कि सियार वही है, पूछ रंगा लिया है। अभी प्रवृत्ति नहीं बदली, संस्कार नहीं बदले, वेशभूषा बदल गई है। भीतर से मन ना रंगाए जोगी, रंगा लिए कपड़ा, और दाढ़ी बढ़ा के जोगी हो गए एक बकरा। ये संत लोग ही कहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा भोलेनाथ के सिर पे है, गंगा जी बह रही है। गंगा जी, पौराणिक गाथा है कि गंगा जी शिव जी के सिर से निकलती है, सत्य है। लेकिन लौकिक दृष्टि से सोचे, जो पहली बात हमने कही कि भोलेनाथ ने एक दिन करवट बदला तो गंगा जी गोमुख से निकलना बंद करके गंगा सागर से निकलने लगेगी। एक बार लेट गए, अभी बैठे हैं तो इधर से निकल रही है, और सो गए तो उधर से निकलने लगेगी। इसका मतलब क्या है? मस्तिष्क से हमेशा सद्विचारों की गंगा बहनी चाहिए, कुविचारों की नहीं। हमेशा सद्ज्ञान में निमग्न रहिए, हमेशा सद्ज्ञान में डूबे रहिए, फिर कोई तनाव नहीं, कोई दुख नहीं। मम भरोसे ही हर सन दीना, भगवान भरोसे सदचिंतन में लीन रहने वाले को इस लोक और परलोक में कहीं भी कष्ट नहीं होता। शरीर में सांप लपेट दिया, गले में सांप लपेट दिया, सांप का मतलब क्या है? विषधर दुश्मन, जो दुश्मन को भी गले लगाए वही कल्याणकारी होता है, वही शिव होता है। गरल कंठ, विष पी लिया शिव जी ने। संसार में जहां अमृत और विष बांटा जा रहा हो, वहां जो स्वयं विष पी ले और दूसरों को अमृत बांट दे, उसी को शिव कहते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे कि आप जाके जहर पीने लगना, आपको ये नहीं कहा जा रहा कि अमृत बांटो और जहर पी लो जाके। इसका भाव यह है कि अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता, कि जहां सुविधाएं अधिक बट रही हो वहां पे दूसरों को आगे बढ़ाए और स्वयं कष्ट में भी रह ले, वही शिव भक्त और शिव का आराधक है, उपासक है। पहले के जमाने में बस में कोई बुजुर्ग आ जाए तो पहले उनको बिठाते थे, अभी तो जवान लड़के भी बैठे रहते, देखा बुजुर्ग है तो मुंह उधर कर लिए कि कहीं बोल न दे कि हमें बैठने दे दीजिए, धीरे से मुंह घुमा लिया उधर। हमारी संस्कृति सेवा की संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है। यहां बड़ा वो नहीं जो समेटता है, यहां बड़ा वो जो लुटाता है, जो बांटता है। मां भोलेनाथ की सबसे बड़ी भक्त होती है। बोले, नहीं तो कन्हैया की पूजा कर रही, फिर भोलेनाथ की भक्त कैसे हो गई? अरे भोलेनाथ का के भक्त का मतलब वह है जो विष पिए तो मां भी पीती है। अभी किसी ने एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा, 2-3 महीने से ये खूब चल रहा है। उसमें एक इंटरव्यू का जिक्र था कि नौकरी जॉब के लिए इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू दिया जा रहा है। बोले, कैसी नौकरी है? तो बोले, हफ्ते में 7 दिन काम करना पड़ेगा। अच्छा,
तो फिर खाने का इंतजाम, बोले खाना भी खुद बना के खाना पड़ेगा, ये कैसी नौकरी है भाई। चलो खाना भी खा लिया, तो छुट्टी तो मिलेगी कभी पर्व त्योहार में, बोले नहीं उस दिन ज्यादा काम करना पड़ेगा, ये कैसी नौकरी है भाई। तो बोले उस दिन ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको, तो सैलरी तो कम से कम करोड़ों में पैकेज होगा। तो बोले नहीं पैसा एक भी नहीं मिलेगा। बोले ये कैसी नौकरी है, कोई दुनिया का आदमी ऐसी नौकरी नहीं कर सकता, चैलेंज है। तो उसने कहा करता है, कौन करता है, माँ करती है, माँ ये नौकरी करती है। 365 दिन पर्व त्योहार में और मेहनत, मेहमान आ गए तो और मेहनत, बीमार पड़ जाए तब भी कोई ख्याल नहीं उसका, ऐसी नौकरी कौन करेगा। दूसरों के लिए सब करके अपने लिए कठोरता जो अपनाता है वही कल्याणकारी, वही शिव भक्त है। कि घर के सबके लिए खाना पकाया, रख दिया, इंतजार करती रही, पहले सास ससुर के लिए, फिर पति के लिए, सास ससुर चले गए तो बच्चों के लिए, हम बच्चों के लिए भी रख रही है, कर रही है, बचा तो खा लिया न तो ऐसे भी सो गई, ऐसा तपस्वी कौन होगा। दूसरों के लिए उदारता और अपने लिए कठोरता, यही नीलकंठ का अर्थ है, यही जहर पीने का अर्थ है। मां